हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। तो बच्चों, हम लोग अभी तक इसका 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पौधे किस प्रकार से पोषण करते हैं। हम लोग कल देखे थे कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपको पता है कि पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, सजीव अपने भोजन का निर्माण खुद ही करता है। तो आइए इसी को बच्चों हम लोग डिटेल में करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे आज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब भैया पौधों में पोषण। पौधों में पोषण या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्वपोषी पोषण। तो हम जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जिसमें सजीव रॉ मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्या करता है, बाहर से लेता है और अपने शरीर के अंदर खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है और उस खाद्य पदार्थ का उपयोग वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए तथा ऊर्जा के लिए करता है। तो चलिए बच्चों, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे बेटा, पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं बच्चा? स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या होगा बेटा? भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन से हमको क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगी ना? जिसकी ऊर्जा का उपयोग वो क्या करते हैं? अपनी वृद्धि और विकास के लिए करते हैं और बची हुई जो हमारे पास ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं? वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे बेटा ना कि भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट। भोजन, भोजन बोले तो बेटा कार्बोहाइड्रेट। अब वो बनाया है तो खुद ही उपयोग भी करेगा और जो कुछ बचेगा बेटा उसको स्टोर करके रख लेगा। भोजन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग अपनी वृद्धि व विकास के लिए करते हैं। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बेटा क्या लिखेंगे। शेष बची ऊर्जा को, ऊर्जा बोले तो जो भोजन से प्राप्त होगी। भोजन का उद्देश्य क्या है? कि हमको ऊर्जा प्राप्त हो। हर सजीव को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से, खाद्य पदार्थ से ही बच्चों प्राप्त होती है और पौधे अपना खाद्य पदार्थ खुद ही बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। चलिए, तो शेष बची ऊर्जा को स्टार्च, स्टार्च बोले तो मंड, मंड के रूप में
मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, याद रखिएगा, कर लिया जाता है। किसके रूप में बच्चा? स्टार्च के रूप में। जैसे, थोड़ा यहां भी याद रखिएगा, जैसे जंतुओं में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। बेटा स्टेप बाय स्टेप है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी ऊर्जा तो एटीपी के रूप में स्टोर होती है हम लोगों में। हाँ, ऊर्जा एटीपी के रूप में बन जाती है, लेकिन जो ऊर्जा शेष बची रहेगी वो किसके? जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में, और क्या है, पौधों में बेटा स्टार्च मंड के रूप में होती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लिखें कि शेष ऊर्जा किसके रूप में? स्टार्च मंड के, किसमें? प्लांट में बेटा। और एनिमल में क्या है, किसके रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाती है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक यही तो हमको क्या है क्वेश्चन बना बच्चों, कि स्टार्च किसमें? पौधों में, और ग्लाइकोजन किसमें? जंतुओं में। इसी रूप में ऊर्जा संचित होती है। अब प्रकाश संश्लेषण को हम लोग बकायदे देखेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो लिखा है, जो क्या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है। हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम ये देखेंगे, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन था, विश्वकोशी पोषण क्या था, हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि जिसमें भोजन का निर्माण सजीव खुद ही करता है। तो पौधे क्या करते हैं? खुद भोजन का निर्माण करते हैं। तो किसके द्वारा भैया? कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, वो क्रिया होती क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे बेटा 6CO2 रिएक्शन ही लिख करके सारी चीजों को समझना है, प्लस बेटा 12H2O। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं कि देखेंगे क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश, तो क्लोरोफिल मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि सूर्य का प्रकाश ऊपर से पड़े, क्लोरोफिल। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया। और क्लोरोफिल को हम लोग क्या ऊपर भी डबल एल कर सकते हैं, क्लोरोफिल या PHYL कर दीजिए। ये हमारे पास क्या बेटा? सनलाइट। क्या बेटा? सनलाइट। तो जब सनलाइट हुआ, क्लोरोफिल हमारे पास आया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो याद रखिएगा C6H12O6 प्लस बेटा 6O2, और साथ में हमारे पास क्या है? 6 क्या है? जल के अणु। ये उत्पाद है, ये हमारे पास क्या है? अभिकारक। बोले तो यह रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट हुआ। तो अब हम प्रकाश संश्लेषण को भली भांति समझेंगे कि इस रिएक्शन से ही बेटा सबको समझना है, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन हमको बनेंगे। तो हमारे पास देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग क्या है बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में इसका कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या अब उनको ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल चाहिए होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
तथा जल H2O को बाहर से लेकर कौमा करिएगा क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा ग्लूकोज याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण बच्चों फिर से ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है देखिए जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को बाहर से लेकर क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन सा बेटा ग्लूकोज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे ये हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया कैसे संपन्न होती है बेटा। बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट नोट्स है बेटा, 100% एनसीईआरटी प्योर सेलेक्टिव। हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन उतना भी कम नहीं पढ़ना है कि जो आपके लिए आवश्यक है और आपने उसको छोड़ दिया हो, इसलिए 100% सेलेक्टिव चूज ही पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, तभी आप बोर्ड में भी अच्छा जो है नंबर पाएंगे। तो बेटा हमारे पास क्या होते हैं चरण, हम लिखेंगे स्टेप इन क्या है फोटोसिंथेसिस, स्टेप इन फोटोसिंथेसिस मतलब बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने चरण होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से बेटा हमारे पास कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले चरण में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल ये जो था, देखो पहले स्टेप में क्लोरोफिल बेटा क्या है, प्रकाश ऊर्जा सनलाइट को क्या करेगा अवशोषित करेगा। पहले स्टेप में लिखेंगे क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब बेटा हमको क्या है, प्रकाश मिल गया। अगर प्रकाश हमको मिल गया तब हमको क्या होगा, दूसरा स्टेप हम लोग करेंगे। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है, अब ये प्रकाश को यही क्लोरोफिल क्या करेगा बेटा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, मतलब लाइट एनर्जी चेंज इनटू क्या है, केमिकल एनर्जी याद रखिएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो बेटा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, और यहीं भी क्या होता है, तो जो हम यहाँ पे जल लिए थे बेटा, ये जल, इस जल में से देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या है, तब ये रासायनिक ऊर्जा क्या करती है बेटा, तोड़ देती है। तो क्या वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब परिवर्तित किया जाता है। और तीसरे स्टेप में अगर लिखें बेटा तो तीसरा स्टेप यही बना दे रहे हैं, यहीं पे हो जाता है लेकिन तीसरा तोड़ दे रहे हैं ना, रासायनिक ऊर्जा, जो ये ऊर्जा बनी है
रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जल के अणुओं को हाइड्रोजन, क्या बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ा जाता है। मतलब हम लोग क्या कर दिए, जल का ऑक्सीकरण हुआ। ये बेटा जल का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें देखिए कि जल से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है ना। हाइड्रोजन क्या है, निकल गया, और ऑक्सीजन देखो बचा रह गया यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में याद रखिएगा कि जल के अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण की अपचयन, तो बच्चा ऑक्सीकरण होता है। अब हम लोगों ने ये कर दिया, अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब सब कुछ हुआ, अब क्या है, इसका भी कुछ तो होना है। तो इसीलिए जब ऊर्जा मिल गई, इसको तोड़ दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या है, अपचयन किया जाता है। तो इसीलिए एक रेडॉक्स रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा। चौथे स्टेप में आते हैं बेटा, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको दिखे, और रेड से लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित किया जाता है। याद रखिएगा, ये हमारे पास चार स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। पहला स्टेप याद रखिएगा, पहला स्टेप हमारे पास है, क्या है, देखिए, क्लोरोफिल याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। इस प्रकाश ऊर्जा को बेटा क्या है, फिर देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ कहाँ देखिएगा, क्लोरोफिल में ही। कहाँ पर, क्लोरोफिल में ही, पर्णहरिण में ही, याद रखिएगा, ठीक। अब हम आते हैं कि जब ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया, तो मतलब केमिकल एनर्जी, अब केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, हमारे पास दो ही अभिकारक है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या है, जल ना। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं और क्या है, जल के 12 अणु हैं। ये जो संख्या आगे लिखी गई है, तो इसके द्वारा पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। हम लोग क्या, पौधे तोड़ते हैं बेटा, सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। तो पौधों में आप कह सकते हैं कि पहले क्या होता है, जल के अणुओं को तोड़ा जाता है इसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके। तो हम यहाँ लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, याद रखिएगा, जल के अणुओं को हाइड्रोजन ना, और क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन के अणु में तोड़ा जाता है। देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन का अणु मिल गया ना, आते हैं। अब हाइड्रोजन, आप सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन वर्क एज अ प्रोटॉन डोनर, भैया एनर्जी के लिए भी वो काम करता है, इसलिए अभी आगे आपको उसको दिखाएंगे। तीन काम हो गया बच्चों, चौथा काम क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, इसको तोड़ा गया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, कार्बोहाइड्रेट में बदला गया, और हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस ना। तो ये देखिए हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित किया जाता है, ये चौथा। तो यही तो हम बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सब पौधे काम करते हैं। तो देखिएगा, अब थोड़ा सा हम हटाते हैं ताकि आपको यहाँ ऊपर दिखा सके कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में न कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, और बेटा किसका, जल का क्या होता है। तो याद रखिएगा, हम लोगों में देखिए ये H2O जल था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था बेटा,
अब क्या है यहाँ पे देखो, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन में क्या है महाराज बताइए, हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए केमिस्ट्री में पहले ही सब पढ़ा चुके हैं। एनसीईआरटी दुनिया की बेस्ट बुक है बेटा, क्योंकि उसको पता था कि ये सब जो है टीचर को, बच्चों को आगे जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही हम क्या है बेटा केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में आप पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और क्या है रिडक्शन अभिक्रिया। उसमें हम लोगों ने भी देखा था, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल भी मैंने दिया था, रेस्पिरेशन का भी दिया था, कि ये सब भी रिडॉक्स रिएक्शन है, उपापचय रिएक्शन। तो बेटा याद रखिएगा, जल का क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। जल ऑक्सीकृत तो होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, याद रखिएगा ठीक। अब यहां पे दूसरा देखिए, ये हमारे पास क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए अभी हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ देखो कार्बन भी ऑक्सीजन भी, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बेटा हम लोग जान गए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, किस अभिक्रिया के दौरान, न प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन सी, आप जानते हैं रिडक्शन, अगर रिडॉक्स में पूछा जाए तो कौन सा रिडक्शन, तो ये क्या हुआ बेटा रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो अपचयन। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयित होता है, और महाराज क्या है ये देखिए, जल न हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीकृत होता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उपापचयन की अभिक्रिया। तो हम लोगों ने बेटा ये देख लिया कि आखिर फोटोसिंथेसिस में कैसे काम होता है, कैसे खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, पौधे अपना खाद्य पदार्थ कैसे जो है ग्रहण करते, सॉरी कैसे बनाते हैं। अब हम बच्चों अगले स्टेप में क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर पौधा इस जल को लेता कैसे है, आखिर जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा लेता कैसे है, कैसे ग्रहण करता है, या हम ये भी इसमें पढ़ेंगे कि ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल इतना कुछ कैसे करता है, आखिर ये क्लोरोफिल होता कहाँ पे है ना, सूर्य के प्रकाश को ये कैसे अवशोषित कर लेता है, इसमें कौन सी अच्छी इसमें क्षमता है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम लोग यही पढ़ के न्यूट्रिशन इम्प्लांट्स मतलब खत्म कर देंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, मतलब फोटोसिंथेसिस पूरा ही आपका खत्म हो जाएगा, पौधों में जो है पोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फिर वो लोग एनिमल में पढ़ेंगे क्या है कैसे होता है पोषण जंतुओं में। तो इसी के पूरा एक कंसाइज आपको बताया गया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो अभी क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़े ही अच्छे से पढ़ लीजिए, और बायो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बायो के 90 क्वेश्चन करने रहते हैं, मतलब पूरे का आधा परसेंटेज यही है। तो आपको इस चैनल पे बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के दोनों के बहुत ही अच्छे वीडियोज मिलेंगे, उसको खत्म करने के बाद हम लोग तब फिजिक्स में चलेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।